फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए राष्ट्रपति से आगे का टॉपिक देखते हैं। पिछले बार हमने देखा था राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में। आज देखेंगे राष्ट्रपति के नियुक्तियां और विशेषाधिकार क्या है, इस टॉपिक पे थोड़ा सा वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मैं अपने चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड कम ही वीडियो ला पा रहा हूँ। कभी कभी करंट अफेयर्स का वीडियो रहता है और ये पॉलिटिकल साइंस रहता है। पॉलिटिकल साइंस मैं सिस्टमेटिक ढंग से कंटिन्यू ला रहा हूँ, तो आप एक इस सब्जेक्ट को तो कंप्लीट हमारे चैनल पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है राष्ट्रपति की नियुक्तियां एवं विशेषाधिकार क्या है, यानी कुछ छूट है, कुछ विशेषाधिकार है तो राष्ट्रपति के लिए। छोटा छोटा मैंने पॉइंट बनाया है ताकि वर्णन करने में आसानी हो पॉइंट को देखने के लिए। तो कर्तव्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना, मतलब कि राष्ट्रपति जो व्यक्तिगत रूप से कोई कर्तव्य कर रहा है उसके लिए उसे दोषी नहीं न्यायालय में ठहराया जा सकता है कि आपने ऐसा काम किया है। बागे के बाद का नियम होता है कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कर्तव्य यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से वो किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है राष्ट्रपति, उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है न्यायालय में। फिर है आपराधिक कार्रवाई। जब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल की बात भी करेंगे, आगे राज्यपाल भी पढ़ लेंगे, तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल दोनों के लिए वही नियम लगभग चलेगा। तो आपराधिक कार्रवाई क्या होता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पे है उस स्थिति में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्रवाई राष्ट्रपति या राज्यपाल पे नहीं चलाया जाएगा। फिर है गिरफ्तारी या कारावास। तो गिरफ्तारी या कारावास क्या है, तो ये भी है कि अपने पद पे जब तक है राष्ट्रपति या राज्यपाल उस स्थिति में उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का निर्देश नहीं जारी किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कारावास के लिए उस प्रकार के निर्देश नहीं जारी किया जा सकता है। ऊपर वाला में वही आपराधिक कार्रवाई ना तो शुरू की जा सकती है, ठीक है, और पहले से यदि है उस जारी भी नहीं रखा जा सकता उसमें बोल रहे। तो ये गिरफ्तारी या कारावास से रिलेटेड कुछ हो गया ना। सिविल कार्रवाई क्या है, तो सिविल कार्रवाई है कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार कोई काम करते कर रहा है उस स्थिति में उस पे सिविल कार्रवाई तब तक नहीं लाया जा सकता। सिविल कार्रवाई काम करने वक्त लाया जा सकता है। सिविल कार्रवाई में होता है धन संपत्ति समझौता से रिलेटेड कोई वाद विवाद, तो सिविल कार्रवाई तो लाया जा सकता है राष्ट्रपति पे, ठीक है ना। लेकिन उसे कितना दिन पहले सूचना दे देना चाहिए, 2 माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी, तब राष्ट्रपति पे सिविल कार्रवाई उसके कार्यकाल के दौरान हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये कुछ विशेषाधिकार उन्मुक्तियां छूट राष्ट्रपति के अधिकार में है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उठते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद।